brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. ये घटना साल 2015 की है। 13 नवंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला जा रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच। उस शाम 80,000 से अधिक दर्शक नेशनल सॉकर स्टेडियम में इकट्ठा थे। उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद भी मैच देखने पहुंचे हुए थे। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। मैच के 20वें मिनट तक स्कोर 0-0 से बराबर चल रहा था, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। हालांकि इससे गेम पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लोगों को लगा कि स्टेडियम के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ मिनट बाद दूसरे धमाके की आवाज आई तो सिक्योरिटी एजेंट्स राष्ट्रपति को सुरक्षित रास्ते से निकाल कर ले गए। उस समय तक स्टेडियम के अंदर और बाहर की दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी। बाहर के हिस्से में तबाही का मंजर पसरा हुआ था, जबकि अंदर मौजूद दर्शकों को इसका गुमान तक नहीं था। जब मैच खत्म होने की सीटी बजी तब जाकर भेद खुलना शुरू हुआ। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें अंदर पहुंचने लगी थी, साथ साथ एक खबर भी। खबर ये कि पूरे शहर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इसके चलते मैच खत्म होने के बाद भी दर्शक बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। 2000 से अधिक लोग मैदान के बीचों बीच जमा थे। ये सब आधे घंटे तक चला, फिर ऐलान हुआ कि अब बाहर जाने पर कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद कई लोग लंबे समय तक स्टेडियम में ही जमे रहे। जहां तक मैच की बात है, उसे फ्रांस ने 2-0 के अंतर से जीत लिया था, लेकिन उस दिन पूरी इंसानी सभ्यता हारी थी। जैसा ही मैच के बाद जर्मनी के कोच जोशिम लो ने कहा था, हम स्तब्ध हैं, मेरे लिए खेल का महत्व खत्म हो चुका है, ये हम सब का नुकसान है, हमें नहीं पता कि हमें करना क्या है। अब सवाल ये कि स्टेडियम के बाहर आखिर हुआ क्या था। दरअसल वहां रूटीन चेकअप चल रहा था। स्टेडियम में एंट्री से पहले दरवाजे पर जांच होती थी। पुलिस को एक व्यक्ति पर शक हुआ, उन्होंने उसे अंदर घुसने से रोक दिया। वो व्यक्ति गेट से हटकर पीछे गया और उसने अपना सुसाइड वेस्ट डिटोनेट कर दिया। इस घटना में हमलावर समेत दो लोगों की मौत हो गई। ये उस रोज हुए हमलों की सीरीज का पहला चैप्टर मात्र था, जो आगे खुला तो और विभत्स होता चला गया। जब इस पर विराम लगा तब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी थी और 300 से अधिक लोग घायल थे। हमले के दौरान और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 9 हमलावर भी मारे गए थे। एक संदिग्ध को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस की धरती पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। उस रात पेरिस में और क्या क्या हुआ था, इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ था और आज के दिन हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। फ्रांस के लिए साल 2015 की शुरुआत बेहद खराब रही थी। जनवरी के महीने के दूसरे ही हफ्ते में पेरिस दो बड़ी आतंकी घटनाओं का गवाह बन चुका था। पहले वीकली अखबार शार्ली हेब्दो का दफ्तर निशाने पर आया। हमलावरों की पहचान अलकायदा के आतंकियों के तौर पर हुई। शार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद का कथित तौर पर आपत्तिजनक कार्टून पब्लिश किया था। इसी को लेकर आतंकी शार्ली हेब्दो से खफा थे। उन्होंने अखबार के दफ्तर में 12 लोगों की जान ले ली थी। इस घटना के दो दिन बाद पेरिस के एक बाजार में इस्लामिक आतंकियों ने 5 यहूदियों की हत्या कर दी। इन दोनों हमलों के विरोध में पूरे फ्रांस में रैलियां निकाली गईं। 11 जनवरी को पूरे देश में लगभग 37 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया था। फ्रांस इस सदमे से ठीक से उभरा भी नहीं था कि नवंबर में पहले स्टेडियम के बाहर और फिर पेरिस के अलग अलग हिस्सों में हमले होने लगे। रात के 9:20 पर पहले सुसाइड बॉम्बर ने खुद को स्टेडियम के बाहर उड़ा लिया था। वो समय डिनर का था, लोग अपने सगे संबंधियों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए थे। वे अपनी गप में मशगूल थे कि अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। थोड़ी देर बाद सड़कों पर लाशें पड़ी थीं और खून का रेला बह निकला था। ये नज़ारा स्टेडियम सहित शहर के कई इलाकों में दिख रहा था, लेकिन अभी भी बड़ी तबाही बाकी थी। नेशनल स्टेडियम से कुछ किलोमीटर दूर बेटाक्लॉ थिएटर में एक कॉन्सर्ट चल रहा था, ईगल्स ऑफ द मेटल बैंड का। बेटाक्लॉ में 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। उस दिन पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तभी आतंकवादियों ने अपनी पोलो कार दरवाजे के अंदर घुसा दी। इसके बाद वे हॉल के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। वे अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और लोगों को बंधक बना रहे थे। रात के 12:30 पुलिस ने हॉल में धावा बोल दिया। पुलिस और आतंकियों के बीच आधे घंटे तक मुठभेड़ चली।
तीन आतंकियों ने आत्मघाती बम धमाका कर खुद को उड़ा लिया था, जबकि चौथा आतंकी पुलिस की गोली से मारा गया। बेटाकला थिएटर में उस रात 90 आम लोग मारे गए थे। ये 2015 के पेरिस अटैक की सबसे ज्यादा तबाह हुई जगह थी। उस तबाही के गवाह रहे कई लोग कभी उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। जब बेटाकला थिएटर में पुलिस की रेड चल रही थी, उस समय तक इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। आईएस का कहना था कि फ्रांस ने पैगंबर मोहम्मद के अपमान और इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पेरिस में हमला किया। हमले के बाद फ्रांस में आपातकाल लगा दिया गया। राष्ट्रपति ओलांद ने देश भर में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बात की। दोनों ने इस्लामिक स्टेट पर हमले तेज करने पर सहमति जताई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम पत्ते खोले जा रहे थे, लेकिन घरेलू मोर्चे पर पहली जिम्मेदारी थी कि हमले में शामिल लोगों को सजा दी जाए। सीधे तौर पर शामिल 10 में से 9 हमलावर तो मारे जा चुके थे, लेकिन 10वां हमलावर सलाह अब्देसलाम फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग चुका था। अब्देसलाम का जन्म ब्रुसेल्स में हुआ था, लेकिन उसने फ्रांस की नागरिकता ले रखी थी। वो पहले भी छोटे मोटे क्राइम में जेल जा चुका था। जेल में उसका संपर्क जिहादियों से हुआ और वहीं से उसकी धारा मुड़ गई। अगर सब प्लान के मुताबिक चलता तो सलाह अब्देसलाम पेरिस में ही मर चुका होता। उसने पेरिस के हमलावरों के लिए गाड़ी और होटल किराए पर लिए थे। उसे पेरिस के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, इसलिए हमले की सफलता की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। तय किया गया कि सबसे आखिर में वो अपने सुसाइड बेल्ट को डेटोनेट करेगा, लेकिन ऐन मौके पर उसका सुसाइड बेल्ट खराब हो गया। उसने उसे रास्ते में ही फेंक दिया। जब जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ की तो उसने कुछ और ही कहानी बयां कर दी। उसने कहा कि ऐन मौके पर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके फ्लैट से मिले कंप्यूटर पर मिले एक मैसेज ने उसका दावा झूठा साबित कर दिया। इस मैसेज में वो कह रहा था, मैं भी बाकियों की तरह शहीद होना चाहता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। मेरे बेल्ट में खराबी थी और मुझे उसे फेंकना पड़ा। सलाह अब्देसलाम अगले 4 महीने तक छिपा रहा। 15 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स में पुलिस रूटीन सर्च पर निकली। उन्हें एक अपार्टमेंट पर शक हुआ। ये रूटीन चेकअप था। उन्हें कतई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ से अब्देसलाम का पता भी चल सकता है। पुलिस जब अपार्टमेंट में पहुंची तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। वहां 3 लोग मौजूद थे। पुलिस ने एक को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि बाकी 2 वहां से भाग निकले। जब अपार्टमेंट में फॉरेंसिक टीम पहुंची तो उन्हें वहां अब्देसलाम का डीएनए मिल गया। इसी सुराग के आधार पर 3 दिन बाद ही ब्रुसेल्स पुलिस ने उसे मोलेनबीक इलाके से अरेस्ट कर लिया। आशंका थी कि वो ब्रुसेल्स में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। यह आशंका सच साबित हुई। अब्देसलाम की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही ब्रुसेल्स में एयरपोर्ट और एक मेट्रो स्टेशन पर आत्मघाती हमले हुए। इसमें 32 लोग मारे गए, जबकि 340 से अधिक लोग घायल हो गए। दावा किया गया कि अब्देसलाम को इन हमलों के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद इसका फायदा नहीं उठा पाई। सलाह अब्देसलाम को अप्रैल 2016 में फ्रांस लाया गया। तब से वो जेल में है। 2018 में बेल्जियम की एक अदालत दूसरे मामले में उसे 20 साल की सजा सुना चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 साल पुराने आतंकवादी हमले की चर्चा आज क्यों? दरअसल 8 सितंबर 2021 को पेरिस हमलों के 20 आरोपियों पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पहले दिन इकलौते जीवित हमलावर सलाह अब्देसलाम और 13 साजिशकर्ताओं को कटघरे में पेश किया गया। बाकी 6 के ऊपर उनकी अनुपस्थिति में ही केस चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें से 5 सीरिया वॉर के दौरान हवाई हमलों में मारे जा चुके हैं। ये केस अगले 9 महीने तक चलेगा। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद समेत 300 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि मई 2022 में इसका फैसला आ जाएगा। दोष साबित होने पर अब्देसलाम समेत 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसे फ्रांस के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा बताया जा रहा है। इस मुकदमे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने कई खास इंतजाम किए हैं। पेरिस के इल दी ला सिटे आइलैंड पर स्थित पैलेस दी जस्टिस के भीतर उच्च सुरक्षा वाला एक स्पेशल कोर्ट रूम तैयार किया गया है। इसके मुख्य कमरे में 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा भी 12 और कमरे भी हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 2000 लोगों की है। मेन कोर्ट रूम में 8 कैमरे भी लगाए गए हैं, जो अदालत की पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि ये रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी। बाद में इन्हें अदालत के आर्काइव में जमा कर दिया जाएगा।
जो भी वादी हियरिंग में मौजूद नहीं होंगे उन तक आंखों देखा हाल पहुंचाने के लिए स्ट्रीमिंग रेडियो की व्यवस्था की गई है। ये ऑडियो लिंक 30 मिनट की देरी से कोर्ट के अंदर चल रही कार्रवाई सुनाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन का इंतजाम भी किया है। इस पूरी तैयारी में 2 साल का वक्त लगा और सरकारी खजाने पर लगभग 50 करोड़ रुपये का भार आया है। अब बताते हैं कि पहले दिन की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। पहले दिन जज ने इकलौते जीवित हमलावर सलाह अब्दे सलाम से अपनी पहचान बताने के लिए कहा। उसने अल्लाहु अकबर के नारे के साथ अपना नाम बताया। जब जज ने उससे पेशे के बारे में पूछा तब उसने जिद्दी लहजे में जवाब दिया, मैंने इस्लामिक स्टेट का सिपाही बनने के लिए बाकी सारे काम छोड़ दिए। उसने जेल में अपने साथ हो रहे व्यवहार के लिए कोर्ट के अंदर नाराजगी भी प्रकट की। उसने कहा कि जेल के अधिकारी मेरे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करते हैं। इस पर कोर्ट के अंदर मौजूद कई लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि हमारे साथ हुए अन्याय का क्या, 6 बरस पहले 130 लोगों को बर्बरता से मारा गया, उनकी क्या गलती थी। भारत में न्याय मिलने में देरी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। इस मामले को देखकर लगता है कि फ्रांस भी इससे अछूता नहीं है। पेरिस हमले के 6 बरस पूरे होने को हैं, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवारों को और इंतजार करना पड़ेगा। इस देरी की कई वजहें हैं, मसलन संदिग्धों की तलाश और उनकी गिरफ्तारी, गवाहों और सबूतों को जमा करना, ट्रायल का ब्लूप्रिंट तैयार करना और स्पेशल कोर्ट रूम तैयार करने में लगा वक्त। यहां पर यह सवाल आता है कि क्या सरकार इन कामों को और तेजी से निपटा सकती थी। ये सवाल हमेशा बना ही रहेगा। कईयों के लिए ये ट्रायल पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्हें लगता है कि जिस दर्द से वे उबरने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर से हरे हो जाएंगे, उन्हें फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन बहुतों के लिए ये उन आतंकी हमलों के पीछे का निष्पक्ष सत्य जानने का अवसर भी है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। 7 सितंबर को तालिबान ने नई अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने एक अपील जारी की। अखुंद ने कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी देश छोड़कर गए हैं उन्हें वापस लौटने पर क्षमादान दे दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी तालिबान लेगा। अखुंद ने यह भी कहा कि तालिबान विदेश से अच्छे संबंध रखना चाहता है। एक तरफ तालिबान देश छोड़कर गए लोगों और संस्थाओं को वापस लौटने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों को न रोके। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने एक वर्चुअल मीटिंग में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। अमेरिका ने वादा किया था कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद भी वो किसी को पीछे छूटने नहीं देगा। 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तैनात अंतिम अमेरिकी सैनिक बाहर निकल गया था। तब से कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान एक बड़ी आपदा से जूझ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी बाकी देशों से मदद करने की अपील की थी। अब ये गुहार चीन ने सुन ली है। उसने अफगानिस्तान में तकरीबन 2 अरब रुपए की मदद भेजने की बात कही है। इसके तहत खाद्यान्न, जाड़े के कपड़े, दवाइयां और 30 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजी जाएगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।